हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक गार्डन बाय सुनीता में। ये आपको मैं आज केवे के बारे में, इसे मीठी तुलसा जीवी के नाम से भी जाना जाता है, और ये पौधा इतने ज़्यादा गुण है इसके कि अमृत के समान है, और शुगर वालों के लिए तो रामबाण है। ये रामबाण है। विदेशों से इसकी खेती तो भारत में ही होती है, पर ये विदेशों में जाता है, और इसका लिक्विड और चूर्ण के रूप में आगे 200-1000 रुपये किलो तक का सेल होता है। तो इसको ना हम इसे अपने घर में, अपने आंगन में लगाएं, और लगाना भी बहुत आसान है। इसका पौधा आपको नर्सरी से 100-150 रुपये का आराम से मिल जाएगा। वैसे तो ये तोड़ करके भी कलम से भी हो जाता है, तो थोड़ा कठिन है बस। और ये इसके पौधों को ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसकी पहचान, इसको आप सबसे बड़ी बात एक मैं बताना चाहूँगी कि जब भी आप इसको लगाएं तो मिट्टी के गमले में ही लगाएं, क्योंकि मिट्टी के गमले में इसको पानी की मात्रा जो है वो लिमिट में ही मिलेगी। प्लास्टिक के गमलों में हमारे जो पानी है वो काफ़ी लंबा रुकता है, और मिट्टी के गमलों में पानी सूख जाता है। इसको ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं और कम की भी नहीं। और जैसे कि देखो, मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसे मैंने यहाँ से इसे तोड़ा, और इसकी पत्तियों को हम अलग कर लेते हैं, और फिर इसको फिर डंठल से लगा दो तो ये हो जाएगा। और वैसे भी इसको तोड़ते रहना चाहिए, जितना ज़्यादा आप तोड़ेंगे उतना ही ये घना होगा, पूसी होगा। और क्योंकि इसके पत्ते ही ज़्यादा कारगर हैं, वैसे तो इसके पत्तों उसे आप चाय में भी बना करके शुगर के मरीज को दे सकते हैं। चीनी से 20 गुना ज़्यादा मीठी है। फिर भी मैं यही कहूँगी कि फिर एक बार डॉक्टर की सलाह तो ले लेनी ही चाहिए। बाकी ये तो औषधीय गुण से भरपूर पौधे हैं, जैसे हमारा सुगंधा है, गिलोय है, कड़ी पत्ता, और ये मीठी तुलसा जी, ये सारे पौधे हम अपने आंगन में लगाने ही चाहिए। हरियाली भी है और फायदे भी हैं। बस मैं और ये बात बताना चाह रही हूँ कि इसके ऊपर जो फूल आता है उसके फूल के कोई खास बेनिफिट नहीं है, और बस इस बात का, इसको वाटरिंग का ध्यान रखें, ज़्यादा तेज धूप में ना रखें। और इसके नीचे जो बल्ब बनते हैं, अगर ये हमारा डोर मशीन में चला जाता है सर्दियों में, तो फिर आराम, अगर आपने पानी ज़्यादा नहीं दिया, गले नहीं है, तो इसके बल्ब से ही इतने सारे पौधे निकल जाते हैं। मैं समझती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और ये गुणकारी भी है। पसंद आया तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिएगा, और कमेंट्स करके मुझे बताते रहिएगा ये मेरी वीडियो कैसी लगी। जिसने ये चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और आगे बढ़ाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।